औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, वेलकम टू पेशावर मॉडल स्कूल बॉयज़ 3 साइंस ऑनलाइन क्लास फॉर क्लास 4 यूनिट 6 सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस। आवर टुडेज़ टास्क इज़ अबाउट रिटन वर्क एंड द टाइटल पेज ऑफ यूनिट 6 questions answers 1, 2, 3, and 4. We will do an exercise of book question 4 on page 66. Title page. Now boys, ready to do the written work? Open your neat copies, draw the margin lines, write down today's date. Very neatly write the title page. First, you should open the marker, blue marker, for giving the heading title page, unit 6. Give the heading with the marker, unit 6. The name of the unit is solids, liquids, and gases. Unit 6 on first line. Underline this heading, then come to the next line, write down the name of the unit, solids, liquids, and gases. Now underline this line also, this heading also, underline it. Now it comes to third line, write questions, answers. Underline it with pencil. Do the work neatly, sharp your pencils, don't use thick pencils. Now comes to the next line, write down book exercises, questions 1, 2, 3, 4 on page number 65 and 66. Write down these numbers, question numbers, with pen. 1, 2, 3 on page 65 and 66 with pen. Book exercise with marker. Questions 1, 2, 3, 4 on page number 65 and 66 with pen. Concept check on book page. Concept check, write with marker, then with pen on book page number 61, 62. Underline all these headings, then draw the ending line. Comes to the next page, at the top write unit 6, at the top write unit 6, then on the first line write questions, answers heading. On the top, on the margin line, write unit 6. On the first line, write questions, answers. Then on the new line, write question number 1. How many states of matter are there? Name them. Write neatly with marker, with blue marker. How many states of matter are there? Name them. ये question आपसे पूछ रहा है कि matter की कितनी states हैं, यानी matter कितनी हालतों में जो है वो present है. आपके earth gird तो air भी है, आपके earth gird water भी है, और solid things भी हैं. तो आपने बताना है कि ये क्या चीज़ें हैं. अगर ये matter है तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, और फिर सॉलिड क्या चीज़ है, लिक्विड क्या है, और गैस क्या है. आप इनको स्टेट्स बोलेंगे और ये आपने डिफ़ाइन करना होगा. और आपसे क्वेश्चन की डिमांड वो मांग रहा है कि आपने इनके नंबर्स बताने हैं कि हाउ मेनी स्टेट्स, मैटर की कितनी स्टेट्स हैं, नेम देम और उनके नाम बताएं. सो राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर, नेम देम. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर.
आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं उन वो स्पेस भी ले रही हैं और उनका मास भी है, यानी हर वो चीज़ जो वजन रखे जगह घेरे उसको हम मैटर बोलते हैं। और मैटर की आपको पता है कि 3 स्टेट्स हैं। आप जहाँ पे एयर में ब्रीथ कर रहे हैं वो एयर है, वो गैस है। आप जो लिक्विड वाटर पी रहे हैं वो लिक्विड स्टेट में है। आप आइस भी यूज़ कर रहे हैं वो सॉलिड स्टेट में है। सो राइट डाउन द आंसर नाउ। ये आपके पास क्वेश्चन था कि व्हाट इज मैटर, देयर हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर एंड नेम देम। यू विल राइट द नंबर्स ऑफ द स्टेट्स एंड शो द नेम्स। सो राइट डाउन द आंसर, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। वॉइस जहाँ पे आप 3 लिखेंगे ना उसको डबल अंडरलाइन कर लेना। इस 3 को आप डबल अंडरलाइन करें और इस वर्ड को आप मार्कर के साथ लिखें। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 को आपने मार्कर के साथ लिखना है और इसको डबल अंडरलाइन करें। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आप न्यू लाइन में जाएंगे और आप लिखेंगे इनके नेम्स, सॉलिड्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर आप हेडिंग भी देना चाहें नेम्स की, नेम्स ऑफ स्टेट्स की अगर आप हेडिंग भी देना चाहें तो भी आप दे सकते हैं, या अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके बाद एंडिंग लाइन जो है वो ड्रा होगी। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर, नेम देम। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। आपसे क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टेट्स मैटर हैज़, तो देयर आर 3 स्टेट्स। 3 का वर्ड आपने मार्कर के साथ लिखना है, इसको डबल अंडरलाइन करें। इसके बाद न्यू लाइन्स में सेपरेटली इनकी नेम्स आपने लिखने हैं। हर नेम न्यू लाइन में जो है वो आप लिखेंगे और ये नेम्स हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंडिंग लाइन इसके बाद ड्रॉ होगी और न्यू पेज पे आप जाएंगे। नाउ कम्स टू द न्यू पेज, डिफाइन मटेरियल एंड गिव वन एग्जांपल। आप न्यू पेज पे जाएंगे, मार्जिन लाइन ड्रॉ करें, आज की डेट लिखें। इसके बाद फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन नंबर 2 आप लिखेंगे, डिफाइन मटेरियल। मटेरियल क्या चीज़ है और आपने इसकी एक एग्जांपल देनी है। तो मटेरियल क्या है, एनीथिंग, एनीथिंग विच मेक न्यू थिंग्स। जिस तरह से वुड है, वुड से टेबल भी बना, वुड से जो है चेयर भी बना, डोर भी बन रहे हैं, विंडोज़ भी बन रही हैं, किचन में स्पून्स जो है वुड के वो यूज़ हो रहे होते हैं। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो वुड की आप डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। तो ये वुड क्या है, ये एक मटेरियल है और इससे डिफरेंट थिंग्स बनी। इसी तरह से आयरन है, आयरन के स्टैंड्स बनते हैं, हैमर आयरन का बनता है, डिफरेंट थिंग्स है। तो आयरन क्या हुआ, ये मटेरियल हुआ। इसके बाद सीमेंट, जिस जो एक मटेरियल है और वो डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस में जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, उससे डिफरेंट वेज से जो है वो डेली लाइफ में यूज़ किया जा रहा है। कहीं पे इसको कंस्ट्रक्शंस में, बिल्डिंग्स में बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, हाउसेस बिल्ड को बिल्ड करने में यूज़ हो रहा है, कहीं पे फ्लावर पॉट जो है वो सीमेंट के बनाए जा रहे हैं। तो डिफरेंट वेज में इनका जो है वो यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें जिस तरह से मैंने अब आपको एग्ज़ाम्पल दी है, वुड की, आयरन की, सीमेंट की, दीज आर द मटीरियल्स फ्रॉम विच न्यू थिंग्स आर मेड, अदर थिंग्स आर मेड। इससे जो है वो दूसरी चीज़ें जो हैं वो बनती हैं। सो दीज आर द मटीरियल। सो राइट डाउन द आंसर, गिव द हेडिंग ऑफ मटीरियल, डबल अंडरलाइन इट, हेडिंग शुड बी विद मार्कर, ब्लू मार्कर से आपने इसकी जो है वो हेडिंग देनी है, फिर इसको डबल अंडरलाइन करेंगे आप। न्यू लाइन में अब आप जाएंगे इसके आंसर के लिए, द मैटर फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड मटीरियल। वो मैटर, वो थिंग, वो सब्सटेंस, वो चीज़ जिससे और चीज़ें बने उसको हम मटीरियल बोलते हैं। मटीरियल आपके पास किचन में कितना मटीरियल यूज़ हो रहा होता है, आटा है
जो है वाटर है, सॉल्ट है, ये मटेरियल है। जब आप इसको गूंदते हैं, मदर जो है वो आपकी उसको गूंदती है तो उससे वो रोटी बनाती है। सो ये जो था उससे रोटी बनी, तो आटा आपके पास जो था वो मटेरियल आ गया। इस तरह से डिफरेंट थिंग्स हैं जिससे और चीज़ें बने, इनको हम मटेरियल कहते हैं। द मैटर फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड मटीरियल। नाउ ऑन द न्यू लाइन गिव द हेडिंग ऑफ एग्जाम्पल विद ब्लू मार्कर, डबल अंडरलाइन इट, हेडिंग्स शुड बी इन कैपिटल लेटर्स। नाउ गिव द हेडिंग ऑफ एग्जाम्पल, डबल अंडरलाइन इट। एज दे आस्क अबाउट वन एग्जाम्पल, सो राइट द वन एग्जाम्पल। वुड, आयरन, वुड, प्लास्टिक, दीज आर द मटीरियल्स। आप इसमें कोई एक एग्जाम्पल जो है वो लिख सकते हैं। इसके बाद ड्रॉ द एंडिंग लाइन, ड्रॉ द एंडिंग लाइन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, रेडी द नेक्स्ट पेज, ड्रॉ द मार्जिन लाइन, राइट डाउन टूडेज डेट। ऑन द फर्स्ट लाइन राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3, डू द पार्टिकल्स इन लिक्विड स्टे इन वन प्लेस। ये अब आपसे पूछ रहे हैं कि लिक्विड के पार्टिकल्स क्या अपनी जगह पर रहते हैं या वो अपनी जगह छोड़ कर कहीं और जा रहे हैं, इनकी पोजीशन फिक्स है। सो डू द पार्टिकल्स इन द लिक्विड स्टे इन वन प्लेस। ब्लू मार्कर से आपने क्वेश्चन लिखना है, अंडरलाइन दिस क्वेश्चन। देन कम्स टू द नेक्स्ट लाइन, न्यू लाइन में अब आप आएंगे, कम्स टू द नेक्स्ट लाइन, नाउ राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3, डू द पार्टिकल्स इन द लिक्विड स्टे इन वन प्लेस। कम्स टू द न्यू लाइन, राइट डाउन आंसर। नो, नो कॉमा, द पार्टिकल्स इन द लिक्विड डू नॉट स्टे इन वन प्लेस। नो, द पार्टिकल्स इन लिक्विड्स डू नॉट स्टे इन वन प्लेस। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट लाइन, they have space between them, they have space between them to move freely and can flow, they have space between them to move freely and can flow। आपसे क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि लिक्विड के पार्टिकल्स क्या एक ही जगह पर होते हैं। आंसर में आपने बताया कि लिक्विड के पार्टिकल्स एक जगह पर स्टे नहीं करते, ये एनर्जेटिक होते हैं, ये मूव कर सकते हैं। और क्यों मूव करते हैं? क्योंकि इनके पास स्पेस है। इसलिए लिक्विड को जग से ग्लास में या ग्लास से जग में पोर किया जा सकता है। नाउ ड्रॉ द एंडिंग लाइन बॉयज। यहाँ पे आपके पास लिक्विड के पार्टिकल्स दिखाए गए हैं। सबसे पहले अगर आप कोई आपसे पूछे कि पार्टिकल्स क्या चीज़ हैं, पार्टिकल्स आर एटम्स। ये एटम्स हैं जो सॉलिड मैटर जो है वो इन्हीं एटम से मिलकर बना हुआ है। मैटर इन्हीं एटम से मिलकर जो है वो बना है। और मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। इट इज़ मेड फ्रॉम स्मॉल पार्टिकल्स and the name of these particles are atom। solid के particles close हैं, very close, they have no space, इसलिए solid की permanent shape है। but liquid particles as you have seen in this video, there is much space, so they can slide over each other। इस वजह इनकी space होने की वजह से लिक्विड पार्टिकल्स को मूव करना जो है वो इजी हो रहा है। इसलिए लिक्विड जो है वो बह सकता है, आप उसको जग से ग्लास में जो है वो उढ़ेल सकते हैं और ग्लास से जग में भी उढ़ेला जा सकता है क्योंकि इनके बीच में स्पेस है।
स्टिल ये पार्टिकल्स इनको छोड़ के कहीं और नहीं जा रहे हैं, अपने पास ही, इनके पास ही करीब हैं, अभी भी वो एक दूसरे के करीब हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ऐसा नहीं हुआ कि जब आपने जग से ग्लास में पानी डाला तो पार्टिकल्स उड़ के ही हवा में चला गया। नो, वो उनके पास अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो उनको बाइंड रखे हुए हैं, अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन स्पेस होने की वजह से ये ढेला जा सकता है। जबकि सॉलिड्स के पार्टिकल्स क्लोजली अरेंज है, वहाँ पर एटम्स क्लोजली अरेंज होते हैं, इसलिए सॉलिड आइस क्यूब जो है ना वो बह नहीं सकता, वो आइस क्यूब की वही क्यूबिक शेप जो है वो रहेगी उसकी परमानेंट। अगर आप उसको जग में डालेंगे तो भी वो क्यूब में रहेगा, अगर आप उसको ग्लास में डालेंगे तो वो वही क्यूब में रहेगा, जब तक कि वो पिघले ना। और जब वो पिघलता है तो वो उस वक्त इसलिए पिघलता है क्योंकि उसको एनर्जी मिलती है। जब उसको एनर्जी मिलती है तो पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ टकराने लगते हैं, वो अपने अंदर स्पेस को पैदा कर देते हैं, इन टकराने से वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं और दूर हट जाते हैं, जिसकी वजह से स्पेस आ जाता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, स्पेस आने की वजह से वो लिक्विड कंडीशन में चले जाते हैं, तब वो एक ग्लास से दूसरे ग्लास में जो है वो ढेले जा सकते हैं। नाउ बॉयज, कम टू द न्यू पेज। If you have space on this question number 3, so you can write this question there. If you don't have any space, then come to the next page. Again, draw the margin line, write down today's date, and write down question number 4. What happens to the candle when we heat it? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया लिक्विड का, कि लिक्विड जो है वो आइस किस तरह से जो है वो मेल्ट होता है जब हम उसको हीट देते हैं। हीट क्या है? वो एनर्जी है जो इनके पार्टिकल्स को मिल जाती है। जब इनके पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है तब वो आपस में एक दूसरे से टकराने लगते हैं और दूर दूर हट जाते हैं। इनके दूर हटने से इसके बीच में स्पेस आ जाता है, स्पेस आने की वजह से वो फ्लो करते हैं जग से ग्लास। अगर आप पानी को जग से ग्लास में डालें या ग्लास से जग में डालेंगे तो वो फ्लो करेगा क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। इसी तरह से कैंडल्स जो आप बर्थडे पे अपने केक के ऊपर जो है वो अरेंज करते हैं, तो जब आप उसको फायर उसके जो थ्रेड को लगाते हैं तो वो क्या होता है, एक्चुअली वो फायर उनको हीट दे रहा है, एनर्जी देता है। कैंडल के जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो उनको एनर्जी दे रहा होता है। जब इस कैंडल के पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है तब वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड होने लगते हैं, वो एक दूसरे के साथ जो है वो टकराने लगते हैं, इनके बीच में स्पेस बन जाता है। स्पेस बनने की वजह से पार्टिकल्स थोड़े थोड़े एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, अब वो फ्लो करना शुरू हो जाता है। इस फ्लो की वजह से वो कैंडल मेल्ट हो जाता है, वो पिघल जाता है और लिक्विड कंडीशन में आता है। लेकिन ये बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है क्योंकि हम सब जानते हैं कि कैंडल जो है अगर हम इसको मेल्ट करते हैं तो वो थोड़े देर के बाद जैसे ही इसको ठंडक मिलती है वो दोबारा जो है वो सॉलिड कंडीशन में चली जाती है। जबकि वाटर एक दफ़ा मेल्ट हो जाए ना, वो वाटर स्टे करता है लिक्विड कंडीशन में, जब तक कि आप उसको फ्रीज़र में ना रख दें, उसका टेम्परेचर ना जो है वो कम करें, तब तक वो सॉलिड में चेंज नहीं होता। लेकिन जो कैंडल की वैक्स है वो बहुत जल्दी जो है वो सॉलिड कंडीशन में चली जाती है, सॉलिड स्टेट में जो है वो चली जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कैंडल मेल्ट क्यों हुई, तो रीज़न आपने ये बताना होगा कि उसको हमने हीट दी, हीट से पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड होने लगे, उनके दरमियान में स्पेस बना, स्पेस बनने की वजह से वो लिक्विड स्टेट में चला गया और वो मेल्ट हो गया। सो कम टू द क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू द कैंडल व्हेन वी हीट इट। क्या होता है कैंडल के साथ जब वो जलती है? राइट डाउन द आंसर ऑन द न्यू लाइन। व्हेन वी हीट द कैंडल इट मेल्ट्स, जब हम उसको हीट करते हैं तो वो पिघल जाती है। Now draw the ending line. These are the 4 questions which you have done on your classwork copy. These questions are from unit 6, solid, liquid and gases. Title page आपने first ready करना है, फिर इसके बाद question answers के लिए जब आप जाएंगे top पे unit 6 लिखेंगे, उसके बाद question answers की heading देंगे, first question, second, third और fourth, ये चारों questions जो हैं वो अपने अपनी copy पे उतार लेने हैं। Now come to your book work. आपके पास बुक में हम 3 एक्सरसाइजेस कर चुके थे, फोर्थ एक्सरसाइज के जो पेज 66 पे है उसको हम आज करेंगे। आपके पास है
क्वेश्चन नंबर फोर, मार्क दीज सेंटेंसेस विद टिक और क्रॉस. आपने स्टेटमेंट का बताना है कि वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स. जहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू होगी वहाँ पे आप टिक लगाएंगे, जहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगी वहाँ पे आपने क्रॉस लगाना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, पार्टिकल्स मूव, ऑलवेज पार्टिकल्स मूव. मे बी वेदर इट इज़ द केस ऑफ सॉलिड, दे स्टिल वाइब्रेट ऑन देयर पोजिशन. वो अपने पोजिशन पे ही खड़े खड़े ऊपर नीचे जो है वह मूव कर रहा होता है. लिक्विड में बहुत मूव करता है, स्लाइड करता है, और गैसेस में तो फॉर अवे फ्रॉम ईच अदर वो चला जाता है. सो पार्टिकल्स ऑलवेज मूव, ये स्टेटमेंट जो है वो आपके पास ट्रू है. टेक हेयर नाउ, पार्टिकल्स इन अ गैस आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर. पार्टिकल्स इन अ गैस, as you have seen there, you can't see the shape of the gas because the particles are too much away from each other, too much away from each other. aap nahi dekh sakte unki shape, to close to particles hai hi nahi gas mein. so this statement is false. put cross here. sorry boys. third statement is about a liter of water is more when it is in a 5-liter container. ek baat hamesha yaad rakhein, although there is no shape in liquid but its volume is fixed. if you put one glass of water in a jug it will remain one glass. agar aap usko kisi bhi bartan mein dalenge wo एक ही ग्लास पानी रहेगा, वो इससे घटेगा या बढ़ेगा नहीं, उसकी वॉल्यूम फिक्स रहेगी लेकिन उसकी शेप जो है वो चेंज होगी. और वो चेंज क्यों होती है, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स की वजह से वो चेंज होता है. सो लिक्विड, अगर आप एक लीटर पानी को ऐसे कंटेनर में डाल रहे हैं, ऐसे बोतल में डाल रहे हैं जहाँ जो 5 लीटर का है, तो वो कभी भी 5 लीटर तक नहीं चढ़ेगा, वो उसी बोतल में 1 लीटर को ही शो करेगा और एक ही लीटर तक वो रहेगा. सो दिस स्टेटमेंट इज़ क्रॉस. पार्टिकल्स इन ऑरेंज जूस आर packed less closely than those in orange ice lolly. ice is the solid state. solid state mein particles always close together. unki definite shape hai ice cream ki, jo aapke paas orange ice cream hai na, uski definite shape hai. उसके पार्टिकल्स दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. लेकिन यही आइसक्रीम, जब ऑरेंज की आइसक्रीम जब पिघलेगी तब वो लिक्विड में चेंज होगी, और लिक्विड में वो उसी वक्त चेंज होगी जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस आ जाएगा. तो स्पेस होने की वजह से पार्टिकल्स विल बी फॉर अवे फ्रॉम ईच अदर. सो दिस स्टेटमेंट इज़ इट इनकरेक्ट. जब वो ऑरेंज जूस यानी वो जब वो लिक्विड में होंगे तब पार्टिकल्स जो हैं वो पार्टिकल्स इन ऑरेंज जूस आर पैक्ड लेस लूजली. पार्टिकल्स जो हैं वो लिक्विड में वो लेस जो है वो क्लोज होते हैं, वो थोड़ा बहुत इनमें स्पेस आता है एज़ कम्पेयर टू द ऑरेंज आइस लॉली आइसक्रीम के बारे में. तो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. अच्छा, आइस मेल्ट्स इनटू गैस. जब आप आइस को हीट के लिए रखते हैं तब वो लिक्विड में चेंज होता है, उससे पानी बनता है, वो डायरेक्ट जो है वो गैस में चेंज नहीं होता. गैस में वो उस वक्त चेंज होगा जब ये लिक्विड जो है उसको मज़ीद टेम्परेचर मिले और वो बॉइलिंग में आए और फिर उसके जो वो पार्ट्स बन जाते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. नाउ बॉयज, आवर टुडेज डायरी इज़ अबाउट प्रिपेयर द टाइटल पेज ऑफ यूनिट 6 एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन क्लास वर्क कॉपीज. Question number 1, how many states of matter are there? Name them. Question number 2, define material and give one example. This is the diary. Prepare. जो है वो करना है आपने टाइटल पेज का, आपने इसको जो है वो प्रिपेयर करना है, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो आपने रेडी करने हैं. ओके, थैंक यू बॉयज़.